घाटी में आतंकियों के सफाये के लिए पुलिस और सेना का अभियान जारी है। रविवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम के डीएचपुरा और लोलाब इलाके से मुठभेड़ की खबरें आईं। ताजा जानकारी के मुताबिक दो आतंकी मारे गए हैं। मारे गए दोनों आतंकवादियों की पहचान श्रीनगर के हारिस शरीफ, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था, और कुलगाम के जाकिर पद्दर के रूप में हुई है। जाकिर पद्दर जैसे मोहम्मद के लिए काम करता था। एनकाउंटर कुलगाम जिले में हुआ, जहां जैसे मोहम्मद 3 से 5 आतंकी छिपे होने की सूचना थी। इसके बाद एसएसपी कुलगाम ने आर्मी को इसकी सूचना दी। दोनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और एनकाउंटर शुरू हो गया। यहां आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी भी मारा गया है। ये पाकिस्तानी लश्कर ए तैयबा से जुड़ा था। इलाके में अभी सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम शौकत अहमद शेख बताया गया है। इससे मिली जानकारी के बाद ही कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ शुरू हुई थी। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया है कि विभिन्न स्थानों की तलाशी के दौरान छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए। आज सुबह में कुपवाड़ा पुलिस और आर्मी 28 मिलकर लोलाब वैली में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जो अभी जारी है, जिसमें अभी तक एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है और 2 से 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है, क्योंकि फॉरेस्ट घना जंगल है। वहाँ पर ऑपरेशन में डिले होगी, अभी चल रही ऑपरेशन, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरा इनकाउंटर शुरू हुआ है दवालांजीपुरा, जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जैश मोहम्मद के 3 से 5 टेररिस्ट छिपे होने की खबर मिली थी। एसएसपी कुलगांव ने आर्मी से शेयर किया, आर्मी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला। अभी इनकाउंटर शुरू हो गया, अभी हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। अभी ये जो कुपवाड़ा साइड से हम देख रहे हैं कि ये एरिया हमेशा से इन्फिल्ट्रेशन में बहुत कवर करती थी, तो किस प्रकार के मिलिटेंट्स थे, कहीं से आए थे या कुछ जगहों पे मौजूद थे और पुलिस ने भरपूर वो खतरे चला ले? कुपवाड़ा जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये पहले से वहाँ एक्टिव था वहाँ पर, और हाइड आउट में जंगल में था। हम लोग जो एक टेररिस्ट पकड़े थे शोपियन डिस्ट्रिक्ट से, शौकत शेख है, जो कि आईडी ब्लास्ट किया था एक व्हीकल में, जिसमें आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, 2 जख्मी हुए थे। उसी के इंटोगेशन जो फर्दर हाइडआउट दिखाने ले गया था, उसमें इनकाउंटर हुआ है। कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार के मुताबिक मारे गए आतंकियों में एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। इस सप्ताह में 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया था। 2 आतंकी अनंतनाग जिले के हंगलगुंड इलाके में मारे गए थे। आतंकियों की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जुनेद और बासित भट्ट के रूप में हुई थी। आतंकी बासित अनंतनाग में पिछले साल हुई बीजेपी कार्यकर्ता सरपंच रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या में शामिल था। इसे ठीक पहले कुलगाम के मिसीपुरा इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था।